उत्तराखंड बीजेपी में फेरबदल की चर्चाएं हो रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा भीतरघात का मामला। बीजेपी विधायक का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप। भीतरघात के आरोप के बाद बीजेपी में बदलाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लक्सर विधायक संजय गुप्ता का मदन कौशिक पर आरोप है। बीजेपी विधायक ने मदन कौशिक पर गद्दारी का आरोप लगा दिया है। भीतरघात के आरोपों में चार नेताओं को निष्कासित किया गया। हरिद्वार जिला अध्यक्ष ने चार नेताओं को पार्टी से निकाला है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा भीतरघात का मामला। तो मदन कौशिक पर भीतरघात का आरोप बीजेपी विधायक ने ही लगाया है और बदलाव की बातें अब सामने आ रही हैं। चार नेताओं का निष्कासन भी किया गया है भीतरघात के चलते, इन आरोपों के चलते। और हरिद्वार जिला अध्यक्ष ने चार नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा मामला पहुंच चुका है। भीतरघात का ये पूरा मामला है और बीजेपी विधायक ने ही मदन कौशिक पर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने भीतरघात किया है। मयंक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, भीतरघात के आरोप में चार नेताओं का निष्कासन तो हो चुका है लेकिन मदन कौशिक पर भी आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी अभी आपके पास? और देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, आने वाले दिनों में मदन कौशिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं बहुत आम है भारतीय जनता पार्टी में। कल पूरे दिन जो भी लीडरशिप मौजूद रही भाजपा मुख्यालय में, चर्चा यही चलती रही कि संजय गुप्ता जैसा पुराना नेता भाजपा का, अगर वो खुल के कुछ बोलता है, अगर वो सीधे तौर पे जो पार्टी के राष्ट्रीय, माफ करिएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक पे आरोप लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। और यही वजह है कि जो जिला अध्यक्ष भाजपा है उन्होंने चार लोगों को फिलहाल पार्टी से निष्कासित किया है। और ये मामला केवल हरिद्वार तक सीमित नहीं है, हरिद्वार के अलावा भी चंपावत से कैलाश गहतोड़ी जो वहां के विधायक हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी वहां पे लोकल लेवल पे आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ कुछ लोगों ने भीतरघात किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह जब हम काशीपुर में जाते हैं तो काशीपुर में भाजपा के लगातार कई बार से जो विधायक है हरभजन चीमा, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इस चुनाव में उनको हराने के लिए कुछ लोगों ने नेगेटिव काम किया, यानी हराने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर ये तीनों मामले जो एक साथ सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पे है। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का संज्ञान जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसने लिया है और आने वाले दिनों में इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। संजय गुप्ता का बयान केवल एक बार नहीं आया, पिछले तीन दिन की अगर हम बात करें तो दो बार वो मीडिया के सामने आके अपनी बात कह चुके हैं कि उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे भीतरघात हुआ और खुद मदन कौशिक ने इस पूरे भीतरघात को करवाया है। उनको हराने के लिए सारे साम नाम दंड भेद अपनाए गए, वो अपने मित्र को जिताने के लिए उन्होंने भीतरघात करवाया, खुले तौर पर आरोप लगा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है प्रदेश भाजपा की अगर बात करें, और हो सकता है इसमें कुछ कार्रवाई है जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में फेरबदल होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मयंक, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे